हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज हम बनाएंगे आलू के पराठे, जिसके लिए मैंने आधा किलो आलू बॉईल करके मैश कर लिया है। इसमें दो बारीक कटे हुए प्याज डाले हैं, आधा कप धनिया, दो हरी मिर्च, एक टीस्पून देगी लाल मिर्च, एक टीस्पून गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें खट्टेपन के लिए नींबू मिला दीजिए, आप चाहे तो एक टीस्पून अमचूर भी डाल सकते हैं, मैंने आधा नींबू यूज़ किया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। फ्रेंड्स, आलू के पराठे के लिए मैंने आटा पहले से लगा के रखा था, इसको जैसा आप रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही लगाना है। अब आटे का जो पेड़ा बनाया है उसको आधा बेल लीजिए और इसमें स्टफिंग के लिए आलू का जो मिक्सचर बनाया है उसको डाल दीजिए। इसको अच्छे से पैक कर दीजिए लड्डू जैसा और एक्स्ट्रा आटा हटा दीजिए। दोस्तों, पराठे को हम हल्के हाथ से ही बेलेंगे, नहीं तो पराठा फट जाएगा। फ्रेंड्स, पराठा बिल गया, अब हम इसे गरम तवे पे डाल देंगे। फ्लेम मीडियम रखिए, एक तरफ सेकने के बाद पलट दीजिए। अब इस तरफ थोड़ा सा तेल लगा दीजिए, ऑयल या देसी घी जो भी आप प्रेफर करें। अब दूसरी तरफ वापस पलट के उधर भी तेल या घी लगा दें। अब इसको दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेना है। फ्लेम मीडियम ही रखिएगा, हाई फ्लेम पे जल जाएगा और कुरकुरा अच्छा पराठा नहीं बनेगा। दोस्तों, हमारा आलू का पराठा तैयार है। इसे चटनी या अचार के साथ खाइए, आप हल्की मीठी दही के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप इस गरम गरम पराठे पे बटर डाल के भी इसे खा सकते हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे, थैंक यू, बाय बाय।